हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू हितेश्वरीज किचन। आज हम लोग कच्चे टमाटर की भरवा सब्जी बनाएंगे। उसके लिए मैंने आधा किलो टमाटर लिया है और डेढ़ चम्मच भुना हुआ चने का आटा बेसन लिया है। दो चम्मच मैंने भुनी हुई मूंगफली का पाउडर लिया है। स्वाद अनुसार नमक लिया है। थोड़ी सी कसूरी मेथी ली है। एक टीस्पून गरम मसाला लिया है। तीन चम्मच लाल मिर्ची पाउडर लिया है। चार चम्मच धने और जीरा का पाउडर लिया है। आधा चम्मच हल्दी ली है और मैंने तीन चम्मच गुड़ का पाउडर लिया है। सबसे पहले मैं इन सबको मिक्स कर लूँगी। एक चम्मच नींबू का रस है और दूसरा आधा चम्मच नींबू का रस। बारीक कटा हुआ धनिया मैं इसमें डाल दूंगी। सबको अच्छे से मिला लूंगी। एक चम्मच तेल डालूंगी। मसाला रेडी हो चुका है। अब मैं इसे टमाटर में भर लूंगी। मैंने टमाटर ऊपर से काटा है और नीचे से काटा है। मैंने दो बड़े चम्मच तेल लेके गरम करने को रखा है। थोड़े से सरसों के दाने और जीरा डालूंगी। चटकने बाद थोड़ी सी चुटकी हींग डालूंगी और इसे डाल दूंगी। जो मैंने टमाटर भर के रखे हुए हैं इसे डाल दूंगी। भरवा सब्जी के लिए तेल थोड़ा ज़्यादा लगता है। और इसे ढक के सब्जी को होने दूंगी। इसे मैंने पलट दिया है। छोटे टमाटर ज़्यादा खट्टे नहीं रहते हैं, इसके लिए गुड़ का पाउडर इतना बराबर होगा। इसे मैं ढक के 5 मिनट के लिए होने देती हूँ। सब्जी हमारी हो चुकी है। देख सकते हो कितना बढ़िया कलर आया हुआ है। और जो मसाला बचा था उसे मैं ऊपर से डाल देती हूँ। अच्छे से मिला लूंगी। गैस ऑफ कर दूंगी। बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दूंगी।
अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।